हेलो एवरीबॉडी, मेरा प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट भोगा स्टडी सेंटर। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एससी वर्मा का जो स्ट्रिंग वेव के जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्मा जी के स्ट्रिंग वेव के क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग विथ ए स्पीड वी toward the positive x-axis, okay, and speed दिया है यहाँ, ये important information है, और ये positive x-axis की तरफ travel कर रहा है। A shape of the string at time t is equal to 0, given by gx is equal to a sine, x by a, where a and r are constant. What are the dimension of a and S capital A and small A। चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को समझना। और ये एक स्पेशली अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको वेव को अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेव के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बेसिकली एक स्ट्रिंग है हमारी, और इस स्ट्रिंग में एक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है, एक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है, और वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड v से इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्शन, ये हमारा x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन इधर है, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये जो है आपका वेव ट्रेवल कर रहा है जिसकी स्पीड v है, और यहाँ इस क्वेश्चन में ये वेव का इक्वेशन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वेव का इक्वेशन नहीं दिया, क्या दिया, शेप ऑफ द इक्वेशन ऑफ शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया है। क्या दिया, ये शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे स्ट्रिंग का शेप कैसा बनेगा, इस क्वेश्चन में ये दिया है। तो मतलब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे स्ट्रिंग का शेप कैसा बनेगा, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है। तो अभी इसका, और इसमें दो क्वेश्चंस अलग से पूछे हैं कि एक क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a एंड कैपिटल a एंड स्मॉल a। चलो तो हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। जी एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स वाई ए, तो ये जो बेसिकली है, जो जी एक्स है, ये जी एक्स कुछ है नहीं, ये मतलब जी एक्स इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे हम स्ट्रिंग का इक्वेशन लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां पर ये a क्या था, ये बेसिकली क्या रहता था, डिस्प्लेसमेंट रहता था, मतलब जो a है एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई मीनिंग है, ठीक ना। यहाँ पर g की कोई मीनिंग नहीं, बस इसकी मीनिंग ये है कि ये शेप ऑफ स्ट्रिंग बताएगा, जो शेप ऑफ स्ट्रिंग का जो इक्वेशन है वो g है। तो अगर आप सोचें इससे, इसकी कुछ फिजिकल मीनिंग से आप कुछ एक एक मतलब निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आई थिंक नहीं निकाल पाओगे। आप जो है आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम जो वेव का जो सेंस है हम उसके बेसिस में जाते हैं, वेव का जो सेंस है हम उसके बेसिस पे जाते हैं। तो ये वेव के हिसाब से ये ए जो है बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब आपका ये लेंथ का मेजरमेंट है बेसिकली, कि नहीं, तो इसका डायमेंशन एल आएगा। और ए जो है, अब हम जरा इसके अंदर देखते हैं, ये जो साइन एक्स बाई ए, तो ये x जो है बेसिकली ये पोजीशन है, मतलब पोजीशन बोले तो आपका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो यह भी किसका, ये बेसिकली कुछ हद तक लेंथ का मेजरमेंट है, कुछ हद तक लेंथ का मेजरमेंट है बेसिकली। तो
ए भी क्या होना चाहिए, लेंथ का मेजरमेंट, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर की जो जो भी यूनिट होती है उसकी कोई क्वांटिटी जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, साइन इसके अंदर जो है कोई भी यूनिट नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर का ये क्वांटिटी यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर ये लेंथ है तो ए भी क्या होना चाहिए, लेंथ की यूनिट होनी चाहिए। ओके, तो हमने पहला जो क्वेश्चन है, ए की यूनिट क्या है, आपका एल हो गया, लेंथ की यूनिट हो गई, स्मॉल ए की भी यूनिट क्या होगी, एल हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं आपको ये जो क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर अ जनरल टाइम टी इफ द वेव स्पीड इज वी। ओके, तो अगर वेव की स्पीड वी है तो आप जनरल टाइम टी के लिए वेव का इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं कि मान लो जो वेव का इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारा इक्वेशन आएगा, और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारा इक्वेशन आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ए नॉट साइन माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके, या फिर एक काम करते हैं, एक्चुअली यहां प्लस साइन है तो माइनस का लिखना गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको इस फॉर्म में कर देता हूं। ओके, तो साइन के एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए नॉट साइन के एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ए नॉट साइन एक्स बाई ए है। ओके, तो हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर जो आ रहा है, अगर साइन की हम पीरियोडिसिटी देखें तो ये क्या होना चाहिए, के एक्स प्लस फाइव प्लस टू एन पाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स बाई ए होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक्स बाई ए होना चाहिए। चलो, तो टू एन पाई खैर रिपीट कर देगा कोई, इसका मतलब ये फाइव इसको मैं लिख सकता हूं, के एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स बाई ए। ओके, लेकिन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर मैं इस पार्टिकल का जो शेप देखूं, इस पार्टिकल का अगर मैं मतलब इस अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो समथिंग कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, एक्स वाई ए का मतलब जो भी हो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्ट क्या है, जीरो है, ये पार्ट क्या है, जीरो है, ये वाला पार्ट क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। ओके, फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, के एक्स इज इक्वल टू फाई, सॉरी के एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए, जिसमें के इज इक्वल टू वन बाई ए। ओके, के इज इक्वल टू वन बाई ए। ओके, और हम अगर वेव के टर्मिनोलॉजी में देखें, वेव के टर्मिनोलॉजी में अगर हमें जो थोड़ा बहुत भी हमें वेव की अंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाट इज द के इज बेसिकली डब्ल्यू बाई वी, ओमेगा बाई वी, एंड वी नो व्हाट इज द वी हियर, वी नो व्हाट इज द वी हियर। तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू वन बाई ए, के इज इक्वल टू वन बाई ए, देन ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू के बाई ए, व्हाट इज द ओमेगा हियर देन,
ओमेगा हियर इज फी बाई ए. ओमेगा हियर इज फी बाई ए. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू ए नॉट. चलो मैं जो इक्वेशन है मैं इसको ध्यान में रखता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई ए, मैं एक नए पेज पर लिखता हूं. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई ए. व्हाट विल बी इक्वेशन, इक्वेशन विल बी वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन के, के इज बेसिकली एक्स बाई ए, एक्स बाई ए माइनस वी बाई ए. This will be the equation of the wave. Okay guys, तो I hope you like this video. और एस सी बार में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. और भी इस टाइप के क्वेश्चन, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको वेव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी और आपको सॉल्व करना रहेगा. ओके और आई थिंक आप कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा हो जाएगा. ओके तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.